दोस्तों, आज गॉस थ्योरम को एप्लीकेशन के देखेंगे। तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में तीन एप्लीकेशन डालेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीन में से एक तय है कि वह एग्जाम में रहता है, इसलिए इसको देखना ना भूलें। और अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे मेरा अगला वीडियो मिलेगा आपको तुरंत। चलिए, तो पहला एप्लीकेशन है क्या, किसी अनंत लंबाई, लिख लेते हैं किसी अनंत लंबाई, किसी अनंत लंबाई के समान आवेशित किसी अनंत लंबाई के समान आवेशित समान आवेशित सीधे चालक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तीव्रता ज्ञात करें। गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन है किसी अनंत लंबाई के समान आवेशित सीधे चालक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। चलिए, तो अब इसको जो है सो प्रूव करते हैं। किसी अनंत लंबाई, यानी अनंत लंबाई का, इसका लंबाई जो है सो डिफिनिट नहीं, यह अनंत लंबाई का चालक तार है, यह बेलनाकार सतह है, यह तीन भाग में बटा, ठीक है, तीन भाग में बटा हुआ है। अब देखिए, ये आधार जो है, यह तीनों भाग, यह किस रूप में है, वृत्ताकार रूप में है, तो इसकी वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, आर होता है। इस सब की त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से लेकर के इधर एक आगे, यह जो दिखाता है, यह इसके क्षेत्रफल को दिखाता है, ठीक है। और इस पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई। तो इस दोनों के बीच की क्षेत्र त्रिज्या जो लगता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर, दोनों के बीच का जो कोण बनता है यहाँ पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए, यहाँ पर जो बनता है वह इसी दिशा में चल जाता है, ये DA को दिखाता है, ये जो है सो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाता है। तो यहाँ पर एंगल बन जाता है थीटा का मान 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर भी ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पर कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। ये DA को दिखाता है, यहाँ पर यहाँ तक दिखाता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाता है, ये, ठीक है। अब देखिए, और इसकी लंबाई, यानी कि इस चीज को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, ये मान लेते हैं क्या है, L है, ठीक है। इस सब पर समान आवेश उत्पन्न होता है, यहाँ पर भी क्यू आवेश, यहाँ पर भी क्यू आवेश, और यहाँ पर भी क्यू आवेश, सभी जगह समान आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि क्या, क्यू उत्पन्न होता है। यहाँ पर दोनों के बीच एंगल बना 90 डिग्री, यहाँ पर बना 90 डिग्री, और यहाँ पर बना 0 डिग्री। तो इसको हम मान लेते हैं पहला सतह, इसको मान लेते हैं हम दूसरा सतह, इसको मान लेते हैं तीसरा सतह, या फिर इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसको, इसके लिए पहले दो चीज़ जानना होगा। पहले जानते हैं कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है। तो आवेश के रैखिक घनत्व में आप पढ़े होंगे लेमडा बराबर क्यू बाय एल, लेमडा बराबर क्यू बाय एल, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। और गॉस थ्योरम से आप पढ़े हैं हाई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, हाई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट,
यही दोनों को सम्मिलित करने से यह फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। और एक चीज जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए होता है, जिसको हम क्या लिख देते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर का फॉर्म होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो उसी तरह से इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले यदि कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे यानी कि कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सब का सम्मिलित रूप निकालेंगे, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर यदि हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई वन यानी कि डी फाई पहला सतह के लिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई दूसरा सतह के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ तीसरा सतह के लिए। अब हम जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा या फिर ई डॉट डी ए। अब यहाँ पर हम रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट का ई डी ए कॉस थीटा प्लस थर्ड पार्ट का ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि फाई बराबर हम जानते हैं कि ई ए कॉस थीटा होता है, यहाँ पर डी फाई है, इसीलिए छोटा क्षेत्रफल क्या ले जा रहा है, डी ए लिया जा रहा है, यानी फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, उसी तरह डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है। अब देखिए पहला सतह में थीटा का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री, दूसरा में 90 डिग्री, तीसरा में 0 डिग्री। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का है तो ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट का ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो कॉस 90 डिग्री जहां पर है वहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 में किसी अंक को गुना करते हैं तो वह 0 हो जाता है। तो ये भी 0 और ये भी 0, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब हम यहां पर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो ई डी ए को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसके आगे लिखते हैं हम, देखिए इस पार्ट को अगर हम 0 से गुना करेंगे, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, और 0 में किसी चीज को गुना करेंगे तो वह 0 ही हो जाएगा। अब यहां पर लिख दीजिए डायरेक्ट 0 प्लस 0 प्लस, अब तीसरा पार्ट है तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 में इस अंक को गुना करेंगे यानी कि ई डी ए को गुना करेंगे तो ई डी ए ही रह जाएगा। इसीलिए थर्ड पार्ट का इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए गुना 1, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 0 में इस सब को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 में किसी अंक को जोड़ते हैं तो वह उतना ही रहता है, 0 का मतलब कुछ नहीं। तो बच गया थर्ड पार्ट का इंटीग्रेशन ई ए। अब देखिए ई क्या है, कांस्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए थर्ड पार्ट का। अब देखिए पहले इसको मिटा देते हैं। आप जानते हैं कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो एल के जगह पर हम ऊंचाई के जगह पर क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो ई गुने, इसलिए फाई बराबर ई गुने 2 पाई
आर एल, क्योंकि त्रिज्या तो आर दिया हुआ है लेकिन ऊंचाई यहाँ पर एल है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब इससे पहले बताए हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज से, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ By the definition of linear density of charge, linear density of charge क्या जानते हैं, lambda बराबर q by l, ये जानते हैं lambda बराबर q by एल। ठीक है, इसलिए एल बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे या फिर इसको डायरेक्ट कर दीजिए गॉस थ्योरम से, बहुत अच्छा हो जाएगा बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम से फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज से लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बाय एल, इसलिए एल बराबर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एल। तो जहाँ पर क्यू है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, लेमडा एल रख देंगे, तो फाई बराबर लेमडा एल बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों तो फाई का ही मान है, तो यह इक्वेशन फर्स्ट है और यह इक्वेशन सेकंड। तो दोनों समीकरण का एलएचएस यदि बराबर है तो आरएचएस ऑलरेडी ही बराबर होगा, इसलिए अब क्या कर देंगे समीकरण एक और दो से, क्योंकि समीकरण एक और दो का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा, इसलिए ई गुने टू पाई आर एल बराबर लेमडा एल बट्टा एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, अब एल से एल तो दोनों तरफ कट जाएगा क्या, क्योंकि यह गुना में है उसे जाएगा तो भाग, इसलिए ई बराबर लेमडा बट्टे टू पाई आर गुने एप्सिलॉन नॉट, टू पाई आर गुने एप्सिलॉन नॉट, इसलिए ई बराबर वन बटे टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाय, यही क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल गया, कहाँ से, किसी अनंत लंबाई के जालक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। चलिए थैंक यू, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, चलिए इसे देख करके अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूल भी नहीं कीजिएगा।